एलवीर। बाप रे 32 मार्क्स। 82 मार्क्स। एलवीर ने क्लास में टॉप किया है, क्लैपिंग करो सब। ये देखो यार सिस्टम, क्लास में भी सिस्टम, बिग बॉस में भी सिस्टम। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो वीडियो के ऊपर रिएक्ट होने वाला है, वीडियो है एलविस यादव एटीट्यूड वीडियो। सो यार एलविस यादव एटीट्यूड वीडियो है, तो यार सोचो क्या होने वाला है इस वीडियो में। बहुत ही ज्यादा मसाला और बहुत ही ज्यादा तड़का। तो यार अगर चैनल में नए हो और अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर। गाइज माय नेम इज भाषिका भाटिया, माँ मेरी चलाए उड़न खटोला, लौंडे आके मुझसे पूछे क्या हाल है पटोला। एक और। हाय गाइज माय नेम इज ब्यूटी खान। ओ बाबा ब्रो ये क्या है? टैलेंट कंटेंट। राहुल 60 मार्क्स पास, ये पकड़ तू। स्वीटी 22 मार्क्स फेल। एलवीर बाप रे 32 मार्क्स। 82 मार्क्स। एलवीर ने क्लास में टॉप किया है, क्लैपिंग करो सब। ये देखो यार सिस्टम। फोन दे मेरा फोन। कहाँ? स्कूल में भी सिस्टम, क्लास में भी सिस्टम, बिग बॉस। हेलो कटारिया कहाँ? फॉर्चुनर लगा दे बिग बॉस के बाहर, आज इसे पकड़ना भी ना, उसके बच्चों सिस्टम दिखाना भारी है। आ लिया मैं सर। विनाश का इंतजार कर रहा है सब। अभी पता चलेगा कहाँ है एलविस। हाँ बे के कह रहा था अंदर। अब बता तू सिस्टम नहीं जानता साले, बीच में जब हाड़ दूंगा। एलविस भाई गलती हो गई। गलती कुछ नहीं। चल एलविस यादव चाहते भैंसों को ऊपर साफ करो। चलो ऊपर नहीं साफ करने का, करने का नहीं बेटे। बिग बॉस हाउस नहीं हो, एलविस यादव का इलाका। साले लड बजेगा, ये भीतर कर दूंगा पूरा। चल खड़ा हो। ओ बाबा बेचारा से साफ करवा रहा है, मतलब धमकी मिल चुका है यार। बाहर जैसे ही निकलेगा ना उसके बाद पता चलेगा। गलती होगी, माफ कर दो। माफ कर दो साढ़े कटारी। एक काम कर, ले गए इस पे को फॉर्चुनर तार साढ़े पे को। सिस्टम दिखा इसे, सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। सिस्टम सबको सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। सर देखना इसको, घर से तो कुछ पढ़ के आते नहीं यार, यहाँ जलवा बिखेर दिया है। बेटा बॉलीवुड का ऑडिशन ना चल रहा है। एक्चुअली यार मैंने तुमको वहां से डांस करते हुए देखा। क्या डांस करती हो यार तुम, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें तुम्हारा मुजरा सेंटर खोल लेना चाहिए। भाई एक बंदा है जो हमारी हेल्प कर सकता है, पर यार वो बहुत ज्यादा लालची है साला, बदले में जरूर कुछ मांगेगा। और हाँ इस टाइम तो हमारे पास देने के लिए भी कुछ नहीं बचा। भाई वैसे एक चीज तो बची है, वो देनी नहीं। ओ भाई क्या चीज है? तेरा भाई बैठा है ना, हम देंगे, तू बता। भाई अगर तूने वो चीज दे दी ना तो तू कभी बैठ नहीं पाएगा। चल ठीक है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तेरे पास ट्यूशन जाने की हो सकता है। ये है सर 2 साल की फीस। पर अगले साल तो तेरा स्कूल कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये 1 साल की एक्स्ट्रा फीस क्यों? अरे सर जी आप रखो ना पैसे, कई लोगों का बहम मिटाना है। थोड़ा मेरे को आंखों का ऑपरेशन कराना यार, बिना चश्मे को कुछ दिखाई नहीं देता। एक बार ऑपरेशन हो जाए मेरी बेटा 6 किलोमीटर दूर जाती लड़की को देख के बता दूंगा विच कलर। अबे ये कैसी नजर बनवा रहा है तू, ये तो बहुत गंदी नजर है, तू तो अंधा ही ठीक है।
अंधा ही ठीक है यार, बात है। सो यार आप सभी को वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स से बताइए। एलविश यादव का एटीट्यूड वीडियो था यार, मतलब बाहर में जब इतना एटीट्यूड है तो बिग बॉस के घर में कितना एटीट्यूड होगा आप लोग समझ सकते हैं। सो यार ये वीडियो का सारा सिस्टम तो आपने देखा, मतलब सारा जितना भी सिस्टम चलता है ना एलविश भाई के हिसाब से चलता है और बिग बॉस में भी चल रहा है। सो आपको एलविश भाई कैसे लगते हैं प्लीज यार आप लोग उनको सपोर्ट कीजिए। वीडियो कैसी लगी आप सभी को प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ऐसे वीडियो के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में जितना जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए। सो मैं चलती हूँ नेक्स्ट वीडियो की ओर, टाटा बाय।